अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार दही भले और इसके साथ आलू इमली की चटनी। तो चलते हैं, हम इमली की चटनी कैसे बनती है। ये मैंने इमली को कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो दिया था। अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसलना है ताकि इसके पल्प अलग हो जाए। इसे अच्छे तरीके से छान लेना ताकि इसके बारीक बारीक ज़रात आपके गले में ना चुभे। तो मैंने एक पतीली में इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। आप किसी भी छन्नी में कपड़े की मदद से इजीली छान सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं तो वो उससे ये होता है कि गले में आपके चुभता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इमली मैंने अच्छे तरीके से छान के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा जीरा और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये इमली आपकी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। आप इसे फ्रीज करके 1 महीने के लिए रख सकते हैं, वो भी फ्रीज़र में, और इस्तेमाल करने से पहले आप कुछ टाइम के लिए बाहर रख दीजिएगा। तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप चीनी डाल रही हूँ, 1 कप से थोड़ा सा कम। अगर आपकी 1 पाव इमली है तो आधा पाव आपने चीनी डालनी है। तो इसे अच्छे तरीके से पकाना है। ये गाढ़ी हो जाए तो आपने वहीं पर छोड़ देना है, ठंडा होने के लिए आपने रख देना है। तो हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दही भले, और ये घर पे बहुत ही मज़ेदार अपने भले भी घर पे ही बनाने हैं। तो मैं आपको पहले भले बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ लोग बाहर से परचेज करते हैं लेकिन आप घर पे ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही मज़े के आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। वो आप क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाते जाइएगा हर चीज़। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। ये बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाते हैं आपके घर पे ही भले। तो बस आपने ये तैयार करना है और इसे फ्रीज़र में रख देना है। निकालने से पहले आपने फिर 10-15 मिनट के लिए निकाल के बाहर छोड़ देना है। जैसे ही नॉर्मल हो तो फिर आपने गर्म पानी में डालना है इसे। तो मैं ये फ्रेश बना रही हूँ ताकि आप लोग सीखें। मैं थोड़ा सा इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से एक तो ये बहुत ही ज़्यादा फूलते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड नहीं होते। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करते जाना है, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। और ये दही भले आपके बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने इसे इतना घोलना है, ना हो और ये पतला हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो। आपने नॉर्मल ये देखे इसी तरह से आपने इसका रखना है। जब इस कंडीशन में पहुंच जाए तो आपने रोक देना इसे। ये देखे इस तरह से गिरना चाहिए आपका ये भले का मटेरियल। तो हमारा ये भले का मटेरियल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे करने लगी हूँ फ्राई। तो ऑयल आपका मीडियम फ्लेम होनी चाहिए ताकि ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा। तो ये हल्की आंच पे थोड़ा पकेंगे। आपने मोटा मोटा डालना है, आप किसी भी शेप में दे सकते हैं इसे। जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं भले भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। और आपने कुछ नहीं डालना, इसी तरह से आपके भले फ्राई होते रहेंगे, आपके भले रेडी हो जाएंगे। आप इसे सेव भी कर सकते हैं और अगर उसी टाइम बनाए तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही फूला हुआ है ये बल्ला और बहुत ही माशाल्लाह से इसका खूबसूरत कलर आया है। तो इसी तरह से ये हमारे बल्ले रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। मैं इसे निकाल के पानी में डाल रही हूँ। नॉर्मल पानी है, आपने उसी में ही डालना है। तो ये मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पानी में छोड़ देना है ताकि थोड़े ठंडे भी हो जाएँ और ये अच्छे तरीके से फूल भी गए हैं। तो हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से दबाने, हल्के हल्के हाथों की मदद से, ताकि ये बल्ला टूटे नहीं। तो मैं एक दूसरे बाउल में ये डाल रही हूँ। माशाल्लाह ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप बाहर कोई जाए लेके, इससे अच्छा है कि इतनी जल्दी बंदा लेके नहीं आएगा जितनी जल्दी आप खुद घर पर बना लेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। इसके ऊपर मैंने दही डाली है। इसी तरह से मैं लेयर्स लगाती जाऊंगी।
बहुत से लोग इसमें चने डालते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी डालें। मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, बारीक बारीक मैंने टमाटर लिए हैं, उसके बाद बारीक मैंने प्याज ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं फिर ऊपर से दही डालूंगी ताकि अच्छे तरीके से इसकी लेयर लग जाए। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी, ये मैंने बनाई है पुदीना और हरे थोड़े से हरे धनिया और हरी मिर्च। इसे अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, मैंने वो ऐड किया। और इसके बाद मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलू इमली की चटनी, ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी, इससे तो वाह क्या बात है। दही भले अगर मीठी चटनी ना हो तो दही भले खा ही नहीं जाते, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें ज़्यादा मसाला डालें मीठी खाएं तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। तो आप चना चाट में भी ऐड कर सकते हैं और ये दही भले में भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी दही भले और इसके साथ हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।